ये रावण दहन की लीला लगभग पूर्ण हो गई है। यहाँ पर हिंसा फली फलिया के आए हुए हैं जो कि हम से आ जाए राम जी के द्वारा हिंसा फली पुतला बनाने वाले को रामलीला कमेटी को से मांगे करेंगे इतिहास हरदोई का है जहाँ पे हर वर्ष रामलीला का मंचन होता है, रामलीला का मैदान है और रावण पूरी रामलीला पूरी शुरू से लेकर आखिर तक रावण वध तक ये पूरी रामलीला दिखाई जाती है। और मुझे इसलिए भी अच्छा लगा कि कम से कम हम लोगों ने तो बचपन में रामायण देखी थी, लेकिन आज का जो नई जनरेशन है या जो आज के बच्चे हैं उनको भी हमें सिखाना होगा कि त्रेता युग में क्या हुआ था, द्वापर युग में क्या हुआ था। और ये बहुत अच्छा मंच है जहाँ पर बच्चों को सीखने को मिलता है कि हमारे भगवानों के जो इतिहास है, जो उन्होंने धरती पे आके जो उन्होंने लीलाएं करी हैं उनकी जानकारी होनी चाहिए। और रामलीला कमेटी का मैं धन्यवाद दूंगा कि हर वर्ष की बात है, इस वर्ष भी उन्होंने कार्यक्रम का आयोजन किया और मुझे बुलाया यहाँ पे। और मुझे तो वैसे भी हम सब भारतवर्ष के लोगों को, सभी हिंदू समाज को, बल्कि विश्व के हिंदू समाज को धन्यवाद देना चाहिए कि आज हमारे सामने एक बहुत बड़ा दिन है जब हमारे सामने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण चल रहा है। और मैं समझता हूँ कि राम मंदिर के निर्माण के बाद ये विश्व का सबसे बड़ा मंदिर होगा, सबसे भव्य मंदिर होगा। और पूरे हिंदू समाज के लिए गर्व की बात है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के एक ऐतिहासिक निर्णय से और हमारी सरकार की एक दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण आज ये संभव हो पाया।